बता देता हूँ आपको, चलो जाने दो। एक गार्डन मिल्लत मदरसे के सामने कितना फंड उसका मालूम? कोई मुझे बताएगा कितना फंड है वो गार्डन जो बन रहा है मिल्लत मदरसे के सामने? भाई किसी को मालूम है उसका कितना फंड है? भाई मालूम है? यही से अपने के ऐसे उन लोग बना दें, किन लोग के कुछ मालूम नहीं रहता। लपेटो लपेटो, कोई का कुछ नहीं मालूम रहता। 80 लाख रुपए का गार्डन, 80 लाख, 80 लाख में कोई यहाँ इंजीनियर हो तो जरा उससे पूछो कि भैया 80 लाख में गार्डन कैसा बनेगा, तो मैं समझता हूँ पूरे रौनकाबाद, सलामताबाद, महवी नगर के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अपनी सारी जरूरत पूरी करेंगे। 80 लाख में 4.5 लाख रुपया लगाए और बाकी बचा कितना? 75-50 गाय। ये है अभी हम मालेगांव शहर में एक तहरीक चला रहे हैं कि पूरे मालेगांव शहर से मैं सलाम करूंगा औरंगाबाद, सलामताबाद, महवी नगर की आवाम को कि किसी टाइम यहाँ के बुजुर्ग एक लीडर की खाली सुनते थे ना, एक लीडर खाली आवाज देता था ना, हमारे महूम मालेगांव शहर के शेर मोहतरम महूम निहाल अहमद साहब, जिन्होंने न जाने कितनी बस्तियां बसा के गए, कितने गरीबों को फुकट में घर दे के गया, और ये एक है जो 12-25 के टुकड़े दे रहे हैं उसमें भी खून चूस रहे। एक निहाल अहमद बोलता था ना, मालेगांव बंद तो फिर कोई पनपट्टी भी नहीं खुली रहती थी। चाचा खुली रहती थी क्या पनपट्टी? निहाल साहब दादा नहीं थे भाई, वो दादा नहीं थे, वो दिलों में राज करते थे, आपके आपके साथ थे, ईमानदार लीडर था, तो बोलता था मालेगांव की आवाम के लिए ये तकलीफ है तो मालेगांव बन तो बन। और फिर शेर के चट्टू, तो कोई गम नहीं रे भाई, कोई गम नहीं। आज मरूंगा कल 10 पैसे वाले पैदा आएंगे रे, अभी तो एक है, अभी एक है तो समझ लेंगे। बस खड़े हो गए मालेगांव के नहीं है, वो भी बाहर के। कहाँ के?